Hi friends, welcome back to my channel Smart Travels and Advice. आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत जगह बताने वाला हूँ. उस जगह का नाम है संधल वैली नाम है उस जगह का नाम. और ये इगतपुरी से कुछ 60 किलोमीटर है, मुंबई से 180 किलोमीटर है. तो अगर आप लोग, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि विंटर का सीज़न आ रहा है, टाइम आ रहा है और दिवाली की छुट्टियाँ भी हैं, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो संधल वैली ज़रूर जाएं. और मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ कैसे जाना है. तो आप लोग अगर संधल वैली जाना है तो पूरा फॉरेस्ट इलाका है. और दूसरी बात ये कि वहाँ पर पेट्रोल पम्प नहीं है. आप जब भी जाएँ, अगर कार से जाएँ तो फ्यूल फुल करके जाएँ. और दूसरा ये कि जाने के टाइम टायर वगैरह, गाड़ी वगैरह सब एकदम अच्छे से चेक करके जाए, क्योंकि वहाँ आपको मैकेनिक वगैरह नहीं मिलेगा. रीज़न इसका वही है कि वो पूरा फॉरेस्ट इलाका है, पूरा जंगल इलाका है और वहाँ आबादी एकदम ना के बराबर है. और आप अगर जाएँ तो अपना साथ में खाना वगैरह सब लेकर के जाएँ. हाँ, तो साथ में आप लोग खाना ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ अच्छे होटल्स नहीं हैं. और एक बात ये भी बता दे रहा हूँ कि वहाँ एंट्री फ़ीस जो लगती है, एंट्री फ़ीस एक गाड़ी का 100 रुपीस है और पर पर्सन का 30 रुपीस है. और अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको वहाँ पे बहुत सारे झील मिलेंगे, झरने मिलेंगे, नदी मिलेंगे, वाटरफॉल मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत जगह है. और वहाँ पे स्पॉट एक से एक है. मैं आप लोगों को पिक दिखाऊंगा और भी जो इन्फॉर्मेशन है मैं बताता हूँ. अगर आप लोग संधल वैली जाने में इंटरेस्टेड हैं तो सुबह सुबह निकले, लगभग 5 या 6 बजे निकले तो आप लोग लगभग 11 से 12 तक का वहाँ टच हो जाएंगे. तो जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतना अच्छा. अगर वहाँ आप रात स्टे करना चाहते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि होटल्स वहाँ उतने अच्छे हैं ही नहीं. तो 4-5 घंटे 6 घंटे में आप लोग इंजॉय करके वापस रिटर्न आ जाए वो बेटर है, क्योंकि वहाँ रुकना उतना सही नहीं है. कि हमने एक गलती ये की थी कि हम लोग बोर्डिंग कर रहे थे. एक नाव में हम लोग तकरीबन 12 जन सवार थे और नाव का जो था, बोर्ड का जो था, संतुलन बिगड़ गया था. वो डूबने वाली थी और वो पूरा एक डैम था और वो 270 फीट जगह पे गहरी थी, लेकिन हम बच गए. वो वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि जहाँ हम बोर्डिंग कर रहे थे बहुत ही अच्छी जगह थी, लेकिन हमसे गलती ये हो गई थी कि हम एक ही नाव पे 10 से 12 जन सवार हो गए थे. तो जिसकी वजह से जब हम बीचों बीच में पहुँचे तो बोट का संतुलन बिगड़ गया, डूबने से हम बच गए. लेकिन आप लोगों को गलती नहीं करना, जब भी जाना तो कम से कम लोग सवार हो ना और लाइफ जैकेट पहन करके जाना, क्योंकि वहाँ अगर आप गिर गए तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना गहरा है. और दूसरा, वो जगह पे ही 270 फीट नीचे गहरा है, तो वहाँ जान के लाले पड़ जाएंगे तो हर कोई अपने ही जान बचाने की सोचेगा. तो आप लोग जब भी जाएं तो सावधानी बरतें और जहाँ भी जाए, जिस भी स्पॉट पे जाए, होशियार रहें. और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो इतनी खूबसूरत जगह है. मैं थोड़ा वीडियो आप लोगों को और थोड़ा पिक वगैरह वहाँ के ज़रूर दिखाऊंगा, आप लोग देखना. और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. बाय. टिकटॉक की वीडियो देखते थे. अरे वो साइड बैलेंस ज्यादा हो जा रहा है. किधर? ये साइड. लेना मतलब वीडियो में टिकटॉक के मतलब नॉर्मल ले, बेसिक वन टू से लेना सामने ही. लौकर अंकल कितना कह रहे, कितना कह रहे? ये 260 से फुटे खोले. ओ शिट, 260 अगर गए तो बचा लेंगे ना. नहीं, उर्शी संभाल के बैठ. खोले डायरेक्ट. नहीं, फास्ट चलने देना. ले चला, ये फोटो क्लिक कर. मनोज यहाँ पे कॉर्नर में बैठा हूँ. लालू फोटो लेना. मेरे फोन में इतनी बिल्ला वीडियो ना उड़ा दूंगा सीधा. अच्छा इधर कितना गहरा रहेगा? क्या क्या
नदी है ना किधर जाता है इधर कितना रहे अच्छा सर स्पीड बोल रहे भाई ये जुन्नू मोबाइल दे बोट रास्ते पे पहुंच जाएगी किनारे पे अरे देना अगला स्टेशन इगतपुरी अगला स्टेशन पानीपुर।